नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं आपके साथ आशीष जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने अब उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को तवज्जो दी गई है। इस लिस्ट में सिंधिया के 6 समर्थकों को अलग अलग विधानसभाओं से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी आलाकमान ने सिंधिया समर्थकों पर विश्वास जताते हुए एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस ने कई बार बीजेपी में घटते सिंधिया के कद को लेकर हमला भी किया है, जिसका जवाब बीजेपी की ये चौथी लिस्ट है। दरअसल पहली लिस्ट में सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का जैसे ही बीजेपी ने नाम काटा था, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा था। कांग्रेस भी सिंधिया पर तंज कसने लगी थी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर उनकी ताकत कम आंकने लगी थी। लेकिन जैसे ही दूसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की तो सभी विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है, ना कोई किसी का। माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी का स्पष्ट कहना है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल निशान यही। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं सिंधिया के उन समर्थकों पर जिन्हें बीजेपी ने टिकट देकर अपना भरोसा जताया है। ग्वालियर विधानसभा से प्रद्युमन सिंह तोमर प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और सिंधिया के काफी कट्टर समर्थक माने जाते हैं। सांवरी विधानसभा से तुलसीराम सिलावट को प्रत्याशी बनाया गया है, जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और ग्वालियर जिले से प्रभारी मंत्री भी हैं। सुरखी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया गया है, ये प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सांची विधानसभा से प्रभुराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सुभासरा विधानसभा से हरदीप सिंह डांग को प्रत्याशी बनाया गया है। अनूपपुर विधानसभा से विसाहू लाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी की शुरुआती लिस्ट में सिंधिया समर्थकों को जगह दी गई थी, जिसमें डाबर विधानसभा से इमरती देवी सुमन को प्रत्याशी बनाया गया, जो बड़ी ही सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं। बित्तरवार विधानसभा से मोहन सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। मुरैना विधानसभा से रघुराम कसाना को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बीजेपी की ओर से पहली और दूसरी लिस्ट में सिंधिया के बड़े समर्थकों में शुमार रणवीर जाटव और गिरिराज का टिकट काटा गया है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब आम आदमी को भी टिकट दिलाने की हैसियत रखते थे, लेकिन अब उनका जलवा कम हो गया है। इस सिंधिया समर्थकों के टिकट काटे जा रहे हैं। करेरा से जसवंत जाटव जी का टिकट काट दिया गया है, गोहद से रणवीर जाटव जी का टिकट काट दिया गया है, दिमनी से गिरिराज डंडौतिया जी का टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस में थे तब ये आम कार्यकर्ता को भी टिकट दिलवाने की हैसियत रखते थे और 50 से 60 सीटों तक सिंधिया जी का प्रभाव रहता था। अब इनके साथ जो 22 लोग गए हैं उनमें से कई लोगों के टिकट कट चुके हैं और कई लोगों के टिकट कटने की संभावना है। बहरहाल बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम प्रत्याशी के तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी सिंधिया के सामने ग्वालियर चंबल में चुनौती कम नहीं हुई है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा विधानसभा जीत कर जो कमाल कर दिखाया था, अब वो बीजेपी में रहते हुए कमाल दोहराना एक बड़ी चुनौती बन गया है।